أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم

अल्लाह का शुक्र उसका एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें यहाँ मिल बैठने और कुछ दीन की बातें सुनने की तोहफ़ी अतः फरमाई आजकल दीन की बातें सुनने और सुनाने का रिवाज ख़त्म होता जा रहा है लोग ऑनलाइन के आदि हो चुके हैं अच्छी अच्छी तकरीरें यूट्यूब पे सुन लेते हैं फिर भी आप लोगों ने ज़ुरत की हिम्मत की यहाँ तक पहुँचे बारिश के बावजूद तो अल्लाह ताला आपके मिल यहाँ पर बैठने को सुनने और सुनाने को कबूल फरमाए मोहतरम हजरात इंसान को जो अल्लाह ताला ने पैदा किया है वो इंसान होने के नाते उसका एक मकसद भी क़ुरान मजीद में बयान किया और वो मकसद आप तमाम जानते हैं वल जन्नावलिनसा लियाबून हमने जुन इंस को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाया इसके अलावा हम उम्मत मुस्लिमा के एक फर्द होने की हैसियत से एक और मकसद है जो हमारे ऊपर आयज होता और मकसद क्या है जो फरीजा है जो हम पर आयज होता है वो है रब के दीन की तरफ दावत देखिए अभी जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत की गई उसके अल्लाह तबार फरमाता है कुन्तुम खैर उम्मत तुम बेहतरीन उम्मत हो उखरिजत खरिजत लिन्नास तुम्हें जो बर्पा किया गया है तुम्हारे लिए नहीं न तुम्हारे घर वालों के लिए नहीं तुम्हारे अपने बच्चों के लिए नहीं तुम्हारे अपनी तिजारत के लिए नहीं तुम्हारे अपने बैंक बैलेंस के लिए नहीं लिन्नास लोगों के लिए आप कौन हैं लोग कौन है आप सिमरात मुरात उम्मत मुस्लिम है लोग सिमरात उम्मत मुस्लिमा के अलावा जितनी उम्मतें हैं वो सारी उम्मत हैं आपकी जिंदगी किसके लिए है गैरों के लिए गैर मुस्लिमों के लिए ऐसे मुसलमानों की सलाह के लिए बहुत से काम हो रहे हैं और जुमा के दिन खुदबे जितने भी हो रहे हैं उम्मत की इसलाह के लिए हो रहे हैं इस तरह के दुरुस्त जितने भी बैठकर सुने और सुनाए जा रहे हैं उम्मत मुसलिमा की असलाह के लिए हो रहे हैं हमने गैर मुस्लिमों के लिए कहां तक काम किया आज जितने फितने मुसलमानों के अंदर पैदा हुए हैं जितनी मुसीबतों में मुसलमान फंसे हुए हैं उसके मुख्तलिफ इसबाब हो सकते हैं सबसे अहम तरीन सब यह है कि हमने गैरों को दावत देना छोड़ दिया जबकि हमारे हमारे ऊपर एक फरीजा क्योंकि अब तक अल्लाह तबारक तला ने उम्र प्यारे प्यारे नबी मोहम्मद वसल्लम तक जितने अनबिया को भेजा उन्होंने अपना काम किया जैसे ही प्यारे नबी सल्ला वसलम इस दुनिया से विशाल कर गए उसकी बात तो दुनिया बाकी यामत तक बाकी रहेगी तो इस दीन को फैलाने वाला कौन आप और हम हैं। अपनी जिंदगी के अंदर जैसे रब की इबादत आपके पैदा होने का एक मकसद है उम्मत मुस्लिम में शामिल होने का एक आपका यह बना लेना चाहिए कि दीन की दावत आज हम इस बहस में पड़े हुए हैं कि दीन की दावत फर्ज आयन है क्या फर्ज किफाया है जबकि अल्लाह के रसूल आप में वह कर दिया है कि जो भी शख्स कोई बुराई देखे तो हाथ से दूर करे और अगर हाथ से दूर नहीं कर सकता तो जबान से जबान से भी दूर नहीं कर सकता तो अपने दिल से मन रामिन को मुनकरन फलीवियदी ही वहीम यस्तती फबी लिसान ही व इम फबी फब ही ज़ालिका का ईमान ये ईमान का कम यहां पर मतलखन नबी करीम सलीलम ने इशाद फरमाया और कल ख्यामत के नहमी गवाही भी देनी यून रसूल शहीद शहदा अल्लाह तबारक तला उम्मत मुस्लिमा पर गवाह बनाकर प्यारे नबी वसल्लम उठाएगा तो सारी उम्मतों पर गवाह बनाकर इस उम्मत को उठाएगा वहां हमारा जवाब क्या होगा इसलिए मौलाना आजाद राम ने अपनी किताब तर्जुमान कुरान जो उनकी तफसीर उसके अंदर लिखा है कहा कि अगर उम्मत मुस्लिमा दावत दीन हनीफ का फरीदा अंजाम न दे तो हो सकता है कि अल्लाह तबार तला उम्म, इस उम्मत को पकड़ ले और दूसरी उम्मतों को छोड़ दे आपको एक तरफ खड़ाया जाएगा और सारी उम्मतें दूसरी तरफ होंगी उम्मत यहूदियत उम्मत नसरानियत उम्मत जैनीत उम्मत हिंदू और उम्मत बुद्धिस्ट इस सारी की सारी उम्मत एक पर तरफ खड़ी होंगी अगर वो कहें कि इस उम्मत मुस्लिमा ने हक को हम तक नहीं पहुंचाया तो पकड़े कौन जाएंगे अगर हमने दावत का काम नहीं किया है तो हम पकड़े जाएंगे इसलिए आज इस बात की तरफ देने की तोजो देने की जरूरत थी अब तक हमें एक बहाना मिल गया था कि एक मुतासिब जमात या मुतासिब पार्टी हम पर हुकूमत कर रही है इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएंगे फिर देखा जाएगा अब तो अल्लाह तलासीबत भी दूर कर दिया वो मुसीबत भी दूर कर दिया और हकीक़त में हम बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने मौा दे रहा है उन मौाक़ों से हम फ़ायदा नहीं उठा रहे हमारे उस्ताद मोहतरम वाला हफीज़ रमन साहब कहा करते थे कि वो जब मदीन मनब्रा गए थे तो कुछ अरब नौजवान आकर बड़ी मुबारकबादी दी और उन्हीं उन्हीं यानी मुबारकबादी देकर कहा कि तुम बड़े खुश नसीब हो तो मौलाना कहते हैं मैंने समझा कि शायद अल्लाह ताला मदीने को बुला लिया है शायद इसलिए खुश नसीब कहते हैं तो बताते हैं नहीं इस बात पर खुश नसीब की तरफ उन्होंने इशारा नहीं किया बल्कि कहा कि तुम खुश नसीब इसलिए हो कि तुम गैर मुस्लिमों के दरमियान में रहते हो और गैर मुस्लिमों में काम कर सकते हो और उस मरतबे को पहुँच सकते हो जिसकी फजील कुरान हदीस में आई ही एक मुसलमान एक गैर मुस्लिम को दावत देता है तो उसकी बारे में दुनिया और माफिया से बेहतर है तो इस फिलीलत को तुम पहुंच सकते हो लेकिन उस मसीलत से हम लोग माहरूम है इसलिए यहां हमारे पास कोई मौका ही नहीं गैर मुस्लिमों में दावत का तो मेरे रजीज दोस्त और भाई यहाँ इस बहस में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं कि दावत फर्ज आयन है कि फर्ज किफाया है हकीकत में हर एक पर दावत दीन फर्ज है दावत दीन हर एक पर फर्ज है वो इस तरह कुल्लम में कद्रता तो आम तौर पर यह सवाल बार, बार बार उल्मा के दरमियान में लाया जाता है मुख्तलिफाज़ से लोगों को मुतमिन करना चाहते हैं लेकिन मैं बताऊंगा कि दावत की मिसाल एक बहुत बड़ी फैक्ट्री की फैक्ट्री चलना चाहे तो उसके अंदर बड़े बड़े मिशन की जरूरत पड़ती है छोटे छोटे पुरजों की भी ज़रूरत पड़ती है अगर एक छोटा सा पुरा भी मतल हो जाए तो फैक्ट्री पूरी की पूरी घट जाएगी तो उसी तरीक़े से ये दावत का काम ये उम्मत मुसलिमा का फर्ज मंसबी है इसके अंदर सब कुछ शामिल होना है किसी को अल्लाह ने इम से नवाजा है तो अपने इल्म के साथ शामिल होगा किसी को अल्लाह ने माल से नवाजा है माल अपना खर्च करेगा किसी के पास वक्त है इस दावत दीन हनीफ के अंदर अपना वक्त लगाएगा कोई कुछ लगाएगा कोई कुछ लगाएगा पूरी उम्मत मुसलिमा अपना जहन ये बना ली कि हम हम

अगर तुम हमारे बिल्मा उनका नहीं, नहीं काम नहीं करोगे तो अल्लाह ताला आम कर देगा और आज सबसे बड़ी गलती हमसे जो हो रही है गैरों के अंदर काम करना हमने छोड़ दिया मेरे अजीज दोस्तों और भाई ऐसे मौके पर चंद मिसालें अपने सामने प्रैक्टिकल मिसालें आपके सामने रखूंगा इससे आपको पता चलेगा कि दूसरों के दरमियान गैर मुसलिमों के दरमियान काम करना कितना आसान एक मिसाल मैं एक मरत बंगलूरू आया था उमराबाद में रहता था वहाँ पर एक उस्ताद की हैसियत से तो बेंगलूर आकर मैं वापस जा रहा था यहीं पर बेंगलुर रेलवे स्टेशन में वेटिंग हॉल में बैठा हुआ था तो और मेरी फैमिली भी थी फैमिली के साथ एक खातून तकरीबन साठ सत्तर उम्र की थी तो वो कुछ गुफ्तगु कर रही थी बातों बातों में उसके पता चला कि मैं इस्लामिक स्कॉलर हूँ तो फौरन उसने कागज़ और कलम लेकर ले मेरे पास पहुँच गई और कहा कि मौलाना मुझे मुझे पता चला कि आप इस्लामिक स्कॉलर हैं मुझे इस्लाम के बारे में कुछ बुनियादी बातें बताइए इस्लाम के ऊपर मैं अमल करना चाहती अचानक अचानक ख्याल कैसे पैदा हुआ आपके अंदर तो उसने कहा कि मेरे पास मैं उड़ीसा में रहती थी मुलाजिम पेशा थी मैं उड़ीसा में रहती थी और वहाँ एक मेरा पड़ोसी था जिसका नाम अब्दुल्ला था अब्दुल्ला कहते हुए उसके आंखों में आंसू आ गए इतना अच्छा पड़ोसी था इतना अच्छा पड़ोसी था इतना बेहतरीन सलूक हमारे साथ करता था जबकि हिंदुस्तान के अंदर अयोध्या के या बाबरी मस्जिद के मसले को लेकर मुसलमान और हिंदू के दरमियान में खून की होली खे, खेली जा रही थी उस सब भी उसके मामले में कुछ फर्क नहीं आया इन हालात को जिक्र हमने पूछा क्या अब्दुल्ला तुम ऐसा सलूक क्यों करते हो जबकि तुम्हारा मजहब अलग है हमारा मजहब अलग तुम्हारी जबान अलग हमारी जबान अलग तुम्हारा इलाका अलग हमारा इलाका अलग इतना अच्छा सलूक हमारे साथ उसने एक जुमला कहा था कहा था कि इस्लाम अपने पड़ोसियों के साथ ऐसा ही सलूक करने का हुक्म देता है सुबह अल्लाह ये जुमला कहते ही इस्लाम मेरे दिल में उतर गया इस्लाम मेरे दिल में उतर गया और लेकिन उससे मैं कुछ पूछ भी नहीं सकती थी और कुछ बता भी नहीं सकता था कि इस्लाम क्या है आज चूंकि आप मिले हैं तो मुझे बताइए कि इस्लाम क्या है सुभान वो कौन सा आलिम था भाई किस मजे से सिफारिश हुआ था उसने कौन सी तकरीर की थी क्या कोई लेक्चर दिया था उसने अपना मामला अपने मामलों को ठीक कीजिए शेख ने कहा कि बेहतरीन शहरी बन जाइए और मिसाली मुसलमान बन जाइए देखिए कि आपको देखते ही देखते, ही देखते कितने लोग आप इस्लाम के अंदर दाखिल हैं सिर्फ आपको देख खुल्हाद ही सभी खुल्हादिल हयात सभीले मेरी जिंदगी मिसाल देगी है तुम्हारे सामने ये ये इस्लाम है मुझे देखो मेरी जिंदगी देखो और इस्लाम को समझ जाओ और इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ और उसके ऊपर अमल करते हुए चले जाओ मेरे अजीज दोस्त और भाइयों दावत इस्लाम के लिए आपको किसी मजे से फारि होना ही कोई जरूरी नहीं है आप खुद एक मिसाल बन जाएगी और हमें खौफ लायक था कि हम कुछ दावत की बातें कहेंगे तो लोग पता नहीं हम हमको क्या समझेंगे हुकूमत कैसे हमको उठाकर ले जाएगी ये भी शैतान की तरफ से वसुस है जितना भी मुतासिब हो जितना भी इस्लाम का दुश्मन हो उसके सामने इस्लाम पेश कीजिए हमारे पास मिसाल है फिरौन की अल्लाह फिरौन के पास मूसा को भेजा कि ला अल्लाह यक्षशा अल्लाह तक कहा कि इसके सामने रखो बात ताकि उसका दिल नरम पड़ जाए वो डर जाए और जैसा भी मौका हो हम दीन इस्लाम का काम करना है एक और मिसाल मैं आपके सामने रखता जो इस्लाम के पक्के दुश्मन थे उनकी मिसाल मैं आपके सामने रखूं एक मरतबे का वाकया है कि मैं चेन्नई में ट्रेन पकड़ने के लिए भागा भागा गया सरकार एक्सप्रेस विजयवाड़ा जाना था मुझे और धूप का जमाना था मौसम गर्मा था और भागे भागे गया तो प्यास बड़ी शिद्दत के साथ लग रही थी बड़ी शिद्दत के साथ लग रही थी और जैसे ही मैं कंपार्टमेंट में दाखिल हुआ तो वहाँ देखा कि ग्रुप बैठा हुआ है उनके पास ठंडा पानी है मैंने कहा कि मुझे बड़ी प्यास लगी थोड़ा सा पानी दीजिए जवाब क्या मिला पता है हम मुसलमान को पानी नहीं पिलाता ये मिसालें आपके सामने रख रहा हूं ताकि आप और खतर होकर दीन इस्लाम का काम कर सके मगर हिकमत की तो जरूरत है ही अपनी जगह तो फिर मैं मायूस होकर ऊपर जाके बैठ गया अपने बर्फ के अंदर इंतजार कर रहा था पानी बाद में पता चला कि वो मारवाड़ियों का ग्रुप था वो मारवाड़ी थे और मुख्तलि मंदिरों की सैर करके आ रहे थे और मंदिरों की तारीफ चल रही है फला मंदिर इंदा सु, इतना सुंदर है फला मंदिर इतना बड़ा है तो सारी बातें सुनकर मैंने कहा कि इतनी सुंदर सुंदर मंदिरों का आपने देखा है क्या कहीं किसी मंदिर में तुम्हारा हकीकी खालिक और महबूद तुम्हें मिल गया तो कहा कि कौन होता है हकीकी महबूद कौन होता है खालिक कौन होता है उसके बाद अल्लाह ताला का तारुफ मैंने चंद जुमलों में अल्लाह का तारुफ करवाया तो सुनते ही कहा कि अगर वो हमारा हकीकी खालिफ और महबूद है तो फिर इतने सारे मबूद जो यानी यानी मूर्तियों की शक्ल में हम पूछते हैं कहाँ से आ गए तो मेरे जवाब देने से पहले बाजू में एक टमेलन बैठा हुआ था उसने कहा कि मैं इसका जवाब दूँ कहा कि मैंने पूछा कि तुम तुमको कहाँ से इसका जवाब मालूम कहा कि मेरे साथ मैं न्यू कॉलेज में पढ़ता था और मेरे कुछ मुसलमान साथी थे उनसे मैंने कुछ बातें सीखी कहा कि पुराने ज़माने में हर खरी का एक मुखिया होता था और करिए वालों की खिदमत करता था शाम होती ही आकर एक चबूतरा होता था उसके ऊपर बैठता था लोग बड़ा अहतराम करते थे जैसे उसका इंतकाल हो जाता उसका स्टेचू बनाकर उसी चबूतरे पर नसब कर देते वह वो मबूद बन जाता और बिहार भी बहुत से लोग मबूद बन रहे हैं इस तरीके से तो उसके बाद मैंने उनसे कहा कि अरबा मुतफरकुन खैर नमिल्ल वाहिदुल्खार माताबदून सम्मी तुम तुम वाह

अरबा मुतफर माता आसमान तुम अबाक जिन महबूदों की तुम पूजा कर रहे हो तुम और तुम्हारे बाप दादाओं ने मिलकर उनके नाम रख लिए हैं उनको बना लिया है सुल्तान उस पर कोई दलील अल्लाह नहीं उतारी अल्लाह ताला ही का है अल्लाह ने हुक्म दे रखा है अल्लाह ताबुदा तुम इबाद ना करो तो करो तो उसकी इबादत करो लेकिन ये चीज दिन कईम है असल दीन है लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते ये सुनने के बाद उन्हें कहा मौलाना ये लीजिए पानी लीजिए मिठाई लीजिए दुश्मनी कहाँ गई दुश्मनी दोस्ती में किस चीज़ की वजह से बदली इसी दावत दीन हनीफ की वजह से बदली मेरे अजीज दोस्तों अन्ना सुाउन लिमा जहलू जिस चीज़ को नहीं जानते उससे लोग दुश्मनी करते हैं आज लोग इस्लाम को नहीं जानते हकीकी मबूूद को नहीं जानते उसकी वजह से आज दुश्मनी हो रही है अगर हम तारुफ अपना कराते जाएंगे और अल्लाह तला का तारुफ और अल्लाह ताली की अजमत और उसकी वहदानियत लोगों के सामने पेश करेंगे तो फिर उसके बाद लोग हमारे दुश्मन नहीं रहेंगे इसकी वजह यही है कि आज हमने तबलीग दीन हनीफ का, का काम नहीं किया इस वजह से आज हमारे साथ दुश्मनी बरती जा रही है और बहुत से लोग बहुत से लोग हैं सोच में पड़े हुए हैं हकीकत का पता चले तो ज़रूर इस्लाम में आएंगे। एक मरतबा का वाकया है कि मैं दावती सफ़र के लिए हम निकले हुए थे हमारे साथ एक छोटी कार थी टैक्सी थी टैक्सी का ड्राइवर था वो ब्राह्मीण था और मेरे साथ एक अरब मेहमान भी थे हम जा रहे थे दावती काम के लिए जा रहे थे तो मैंने कहा कि इस तरीके से अल्लाह ताली की अजमत बताओ तो बहुत से लोग इस्लाम के अंदर आ रहे हैं तो मेरे साथी ने कहा कि इस पर आज़मा कर दीजिए ब्राह्मीन का बच्चा इस पर आज़मा कर देखिए तो मैंने एक दस मिनट अल्लाह ताला का तारुफ के सामने करवाया तो उसने फौरन गाड़ी सड़क के बाजू खड़ा दी और कहा कि मुझे मुसलमान बनाइए। तो कहा इतना जल्द दस मिनट के अंदर ये तब्दीली आखिर कैसे आई तो कहा कि मैं बहुत जमाने से मैं सोच रहा था जमाने से यह सोच रहा था कि वो पत्थर जो हमारे कदमों के नीचे रहता है जिसको हम तराशते हैं तराशने के फौरन बाद वो मुकदस कैसे हो गया उसको हमने साम रखकर सामने रखकर पूछ रहे हैं इसका जवाब मुझे समझ में नहीं आ रहा था इसका जवाब मुझे समझ में नहीं आ रहा था आज मुझे समझ में आ गया इन मूर्तियों में से कोई भी मूर्ति हकीकी महबूद नहीं है हकीकी महबूद ऊपर है और उसी की पूजा करना है इस तरीके से आज मैंने अपना मजहब बदल लिया एक ब्राह्मीण का बच्चा सिर्फ दस मिनट अल्लाह ताला की बड़ाई और उसकी अजमत को सुना तब्दीली आ गई तो सबसे पहले अल्लाह था अजमत को अपने दिलों में बिठाना है मद्ला बोला जमीन तो योमियामा समावा तुम सुत अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि अल्लाह का जैसे अंदाजा लगाना लगाना है लोगों ने लगाया नहीं ममाखुल्ला का कदरी वमीन खबर तो अल्लाह तला की अजमत तो वो अजमत है कि एक हाथ में सारी زم... सारी जमीनत आ जाएंगी और एक हाथ में सारे आसमान आ जाएंगे सुबह तलाशरकून अल्लाह तला की पाकि है उन तमाम चीज़ों से जो चीजें अल्लाह तला की तरफ लोग मनसूब कर रहे हैं तो तुम अजीज दोस्तों और भाइयों अल्लाह तला की अजमत जब बिठाएंगे तो मबूदा ने वातला पाश पाश होकर खत्म हो जाएंगे ताला की अजमत यानी ये जमीन जमीन के ऊपर पहला आसमान इससे भी ज्यादा कुशादा दूसरा उससे भी ज्यादा कुशादा तीसरा चौथा पांचवां और सातवा कुशादगियां बढ़ती जा रही उसके ऊपर जन्नत पहली मंजिल जन्नत की सातवें आसमान से भी ज्यादा कुशादा फिर उसके बाद दूसरी तीसरी चौथी कुशादगियां बढ़ती जाती हैं बढ़ती जाती हैं बढ़ती जाती हैं और आखिरी मंजिल आखिरी दर्जा जन्नत का क्या है इसको हम जन्नतुल जन्नतु फिरदोस कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तुम्हारद अवसत कहा कि नबी करीम ने अगर तुम्हें जन्नत तलब करनी है तो फिरदौस तलब करो सबसे ऊंची जन्नत है और सबसे बेहतर जन्नत है तुम्हें अजीज दोस्तों उसे जन्नत की छत क्या है रहमान है अर्शीम अर्श अजीम है अर्श अजमत वाले अर्श पर मुस्तवी होने वाला वो अजीम परवरदिगार है आलम अल्लाह उसकी अजमत लोगों के सामने बयान करनी एक मरतबा एक छोटा सा बच्चा आठ दस साल का था ये वाकया मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग भी इस तरह का, का काम कर सके दिन इस्लाम चलते फिरते फैलाने का काम है लोगों को बताते रहना है बताते रहना है कभी ना कभी तो तो वो चीज काम आ जाएगी छोटा सा बच्चा बुट पालिश के लिए आया था तो मैंने अपने जूते उसके सामने रख दिया पालिश कर रहा था तो मैंने उस बच्चे से पूछा कि तेरा खालिक कौन है तेलुगु वाला था तेलुगु में पूछा तेरा खालिक कौन है कहा कि ना फिर तेलिए डंडी मुझे कुछ पता नहीं तो फिर किसकी पूजा करता तो कहा कि मामा करते अखड़ेलता नाँडी पूजा जैसा ना पूजी जैस मेरे मेरी माँ जहां ले जाए वहां जाता हूँ और पूजा कर लेता हूँ तो मैंने कहा कि क्या तेरे माबूद है हकीकी बारे में कुछ बातें बताऊं बाकी चप बताइए मुझे जब मैंने अल्लाह ताला की अजमत इस तरीके से मैंने पेश की तो उसके बाद मैंने पूछा कि अब बता के कुछ पता चला है तो कहा कि तिल सिंधी गेम तिल बाबू ना तिल सिंधी अतनों का पेद कोंडल आंटे वड़ाई थे आ कोंड कल से चीम लाटे कहता है कि मैंने जो समझा है मासूम बच्चा था कहता है कि वो मबूदे बरहक जिसके बारे में आपने तारुफ से मेरे सामने करवाया है वो बहुत बड़े पहाड़ के मानंद है तो हम सारे लोग मिलकर उससे पहाड़ के इंच छोटी सी चूंटी के बराबर तब किसकी इबादत करेगा उसी की बात करूंगा मैं अपने मां से भी कहूंगा तो अजमत लोगों के दिलों में बिठाए और बताते जाए बताते जाए कभी ना कभी आपकी कोशिश रंग लाएगी इसकी एक और मिसाल बताऊं इसकी और एक मिसाल बताऊं कि मैं एक मरतबे तमिलनाडु एक्सप्रेस चेन्नई से मैं विजयवाड़ा आ रहा था ऐसे में देखा कि रिजर्वेशन नहीं था जनरल कंपार्टमेंट चढ़ गया तो वहां देखा कि बहुत से नौजवान जो आंध्र प्रदेश के ही किसी इंटरव्यू के लिए जाकर वापस आ रहे थे और कंपार्टमेंट में बहुत गड़बड़ चल रही है मैंने सीट पर खड़े होकर कहा कि देखो नौजवानों जरा सा तुम खामोश रहोगे तुम उनको एक अच्छी बात बताऊंगा एक अच्छी बात बताऊंगा तो खामोश रह गए खामोश रह गया लोग सो गए लेकिन उसी भीड़ के अंदर एक नौजवान दूर खड़कर मेरी बात को गौर से सुन रहा था और लोगों के सकूक को चीरते हुए चीरते हुए चीरते, हुए, चीरते हुए, मुझ तक पहुंचा पहुंचा तो मैंने कहा मैंने अपने सीट के बाजू बिठा लिया और कहा कि क्या बात है वो कहा कि ऐसी ही बात मैंने एक बहुत पहले सुनी थी लेकिन उस वक्त मैंने सुनी अनसुनी कर दी लेकिन आज जब ये बात मालूम हुई है तो आज मैं अपने आप को बदलना चाहता हूं आपके कहने के मुताबिक मुझे क्या करना है। तो मैंने कहा कलीम तबला पढ़ो पढ़ लिया कहा कि इस्लाम और मैं मुसलमान हो गया तो इस्लाम के बारे में मुझे जानना है मुझे कुछ किताबें दीजिए इतफाक से मेरे पास कुछ फोल्डर थे देना देने लगा एक एक फोल्डर पढ़ता था और मेरे साथी ने कहा जो मेरे एक साथी थे बंगाल के थे उन्होंने कहा सईद देखो एक एक फोल्डर पढ़ता जा रहा है इसकी दुन, दिन की दुनिया बदलती जा रही है सारे फोल्डर्स उन्होंने पढ़ लिए कहा कि और मालूम चाहिए मैं कहाँ से हासिल करूँगा देखो आप हैदराबाद के हैं तो हैदराबाद में फला जगह जाइए आपको किताबें मिलेंगी तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों आप अपना जहन बना लीजिए कब तक अपनी असलाह अपनी असलाह देखिए एक बात याद रखिए जब कपड़ा धोते ही तो क्या होता है हाथ धुल जाता है कि नहीं धुल जाता आप, आप दूसरों की फिक्र कीजिए खसूसा गैर मुस्लिमों की फिक्र कीजिए और उन तक, तक अपनी बात को या तो जबान के जरिए या तो अपने मामले के जरिए अपने तामुल के जरिए पहुंचाइए फिर देखिए कि लोग दुनिया कैसी बदल दी जाएगी और लोग कैसे आपसे मोहब्बत करते जाएंगे हकीकत में लोगों को पता नहीं इस्लाम का पता नहीं एक मरतबा का वाक्य है एक नौजवान निजामाबाद का था और तीन नौजवान थे वो विजयवाड़े से हमको चेन्नई जाना था तो जैसे ही मैं साक्षी पेपर वो लेकर मैं रोजनामा बैठा तो तीन नौजवान आए एक नौजवान मेरे बाजू बैठा दो सामने बैठे तो पढ़ते पढ़ते मुझे एक तस्वीर पर मेरी नजरें पड़ी वहां टिक गई देखा तो मिस वर्ल्ड दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत और नीचे लिखा हुआ है फोटो लंदन के बाजार में 35,000 हजार पाउंड में बिकी है अल्लाह देखकर बड़ा ताजुब हुआ और देखा गया तो उसके बदन के ऊपर कपड़ों कपड़े तो बहुत दूर की बात है ये एक धागा तक नहीं नौजवान को बताकर मैंने पूछा कि क्या बता रही है तस्वीर तस्वीर बता रही है कि औरतों तुम खूबसूरत बनना चाहो तो मुझ जैसे कपड़ों से बाहर आ जाओ फिर मैंने नौजवान से सवाल किया अगर सारी दुनिया ऐसी हो जाए तो हमारे में और जानवरों की जिंदगी में क्या फर्क रहेगा कुछ फर्क बाकी नहीं रहेगा और हमारी जिंदगी कैसी गुजरेगी आखिर ये सारा क्यों हो रहा है ये सब क्यों हो रहा है तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया तो मैंने कहा कि हमारे जिंदगी का मकसद हमने पहचाना नहीं मकसद पहचानते तो सब कुछ नहीं होता देखिए आप एक सफर पे जा रहे हैं आपको पता है कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं किस लिए जा रहे हैं ये पूरी जिंदगी है साठ साल सत्तर साल अस्सी साल नब्बे साल ये जिंदगी है ये जिंदगी भी एक सफर है हम कहां से आए किस लिए आए कहाँ जा रहे तो इस सवाल का जवाब होना चाहिए इस्लाम के अंदर इन सारे सवालत का जवाब है मैंने एक एक सवाल का जवाब कुरान हदीस की रोशनी में देता गया देता गया तो उसने एक जुमला कहा कि देखो भाई मैंने अपनी जिंदगी में खसम खा रख रखा था कि जिंदगी का एक लम्हा भी मैं ज़ाय नहीं करूंगी लेकिन आपकी बातें सुनने के बाद मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने सारी जिंदगी जये करा सिर्फ वो लम्हा जिसके अंदर आप और मेरे दरमियान में गुफ्तु हो रही है वही चीजें मुझे काम की हैं और उसके अलावा सारी जिंदगी मेरी बेकार और मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ने मुझे चुन लिया आपको मेरे पास भेजा और मुझे मुसलमान बनाया और मेरे इतने साथी हैं फ़ोन निकाल कर उसने नंबर दिया और कहा कि इतने मुसलमान साथी किसी ने आज तक इस्लाम क्या है बताया नहीं तो मेरे अजीज दोस्तों भाइयों अपने साथी ही अपने साथ काम करने वाले ही अपने साथ सफ़र करने वाले ही अपने साथ पड़ोस ही अपने साथ ज़िंदगी गुजारने वाले ही उनके सामने रखिए उनके सामने रखिए हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए तो कहा करते थे कि देखो जिस तरीके से अल्लाह के रसूल सलम की इस बात की तड़प थी कि इस्लाम बात हर शख्स तक पहुंचा दे और पहुंचा भी दिया और पहुंचा भी दिया और तमाम से गवाही भी ले ली हजरत के मौके पर पूछा अलाहल बल्लख अलाहल बल्लख अलाहल बल्लख तमाम लोगों ने कहा बलाखत बलखता अद्दई तमान चाहत तमाम से गवाही ले ली तुम भी जी दावत का काम करने के बाद जब तक अपने अड़ोस पड़ोस अपने दोस्तों को जो गैर मुस्लिम है तमाम को जमा करके जब तक गवाही नहीं ले लेते हो सकता है कि अल्लाह तला कल क्यामत के तुम्हें खड़ा कर दे यह साथ अपने अपने अंदर पैदा कीजिए बल्कि हमारे लिए बेहतरीन मौका है वो ब्राह्मीण बच्चे की बात मैंने जो बताई ड्राइवर उस वाकई को देख कर जो मेरा अरब का साथी उसने एक बड़ी एक बड़ा बेहतरीन जुमला उसने कहा है वो जुमला याद आ रहा है

हर हिंदू एक सोने का टुकड़ा है गर्द गुब्बार में पड़ा हुआ है उसको तो उठाओ और गर्दबार हटाओ और उससे कहो कि ला अला कह तो ला लाला कह देगा तुम तो अजीज दोस्तों भाइयों हमारे लिए बेहतरीन मौका है अब हुकूमतें आती रहेंगी जाती रहेंगी बहरहाल हमको अपना काम नहीं छोड़ना है मुझे पता चला कि बेनूर में बहुत अच्छा काम हो रहा था लेकिन जब से बीजेपी हुकूमत आई थी लोगों ने काम छोड़ दिया डर के माने डरने की कोई ज़रूरत नहीं डरने की कोई जरूर नहीं पकड़ दकड़ जो कुछ मामला अलग हैं, वो पैसे के मामला नहीं पता नहीं कैसे कैसे मामला लेकिन अल्लाह के इस दीन को पहुंचाना हमारा फर्ज है और उन लोगों तो जो सोच रहे इसकी मिसाल ऐसी है, है जैसे लोग एक शाहराह पर चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं उनको पता भी चल गया है आज के जमाने में जबकि सोशल मीडिया के अंदर सारी चीज इस्लाम के आ चुकी है पता चल गया अल्लाह के रसूल की वो हदीस से बिल्कुल है। जिसके अंदर ने फरमाया था। के अंदर कोई घर बाकी नहीं रहेगा चाहे वो झोपड़ा हो चाहे शीश महल हो उसके अंदर इस्लाम पहुंच कर रहेगा आज पहुंच चुका है इस्लाम पहुंच चुका है लेकिन टर्निंग पॉइंट लोगों को मालूम नहीं जैसे आप आपको मद्रास जाना है आपको मद्रास जाना है बॉम्बे का रास्ता आपने पकड़ लिया है बॉम्बे के रास्ते पर चल पड़े हैं और आपको पता भी है कि बॉम्बे का रास्ता है मद्रास मुझे नहीं पहुंचाएगा लेकिन आपको तेजी से जा रहे हैं टर्निंग पॉइंट का पता नहीं है कहीं टर्निंग पॉइंट आ भी रहे छोड़कर चले जा रहे हैं अगर आपको टर्निंग पॉइंट का पता चल जाए जा तो घूमकर आ जाएंगे फिर इस रास्ते पर लग जा जाएंगे बिल्कुल उसी तरीके से आज सबको मालूम हो चुका है इस्लाम क्या है इस्लाम की हकानियत वादे हो चुकी है अल्लाह ताला जो ने, जो कहा है अल्लाह ताला ने वो बात बिल्कुल है वफी हत्ता लहुम अल्लाह ताला ने कहा है कि इस दुनिया के अंदर बहुत सी नशानी हम बताएंगे ताकि लोगों को पता चल जाए कि दीन इस्लाम यही हक है वो जमाना आ चुका है निशानियां आ चुकी हैं बस, बस लोगों को टर्निंग पैड बताने की जरूरत है और आप बताते जाइए पता नहीं कितने लोग इस्लाम के अंदर आ जाएंगे और आज यूरोप के अंदर कुरान मजीद का इतना मुताला किया जाए इतना मितला किया जा रहा है कि उनको हम कुरान मजीद फराहम नहीं कर पा रहे हैं कुरान मरीद कुरान मजीद, -मजीद प्रिंटिंग प्रेस सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा प्रिंटिंग प्रेस हमारे पास है मदीन मुनबरा के अंदर वहां से अंग्रेजी जबान में किताबें छप रही कुरान मजीद के में छप रही भेजा जा रहा है लेकिन लोगों का हल हलमिन मजीद और लाइए और लाइए और लाइए अगर हम ऐसे ही रह जाएंगे तो लोग पढ़ पढ़ कर मुसलमान हो जाएंगे हमारा हिस्सा उसके अंदर क्या होगा ये हमको सोचना है आप भी हिस्सा लगाए आप भी दावत के अंदर शामिल हो जाए कहीं दावती प्रोग्राम चल रहा है कहीं कुछ नहीं चल रहा है अपने अपने पड़ोस के साथ अच्छा मामला कीजिए इस्लाम के अंदर आ जाएगा अपने साथ काम करने वालों के साथ फला के साथ फला के साथ तो इस तरीके से बेशुमार मिसालें लोग धड़ाधड़ इस्लाम की तरफ आ रहे हैं और कभी पता भी नहीं चलता कि फला शख्स मुसलमान हुए कैसे मुसलमान पत... हुआ सुबह हमारे यहाँ एक गाँव है श्री पर के नाम से जहाँ पर उन्नीस घर एक साथ मुसलमान हुए थे उनका स्टोरी अलग है कैसे मुसलमान हुए और आज भी हम उसके अतराफ अकनाफ सुनते हैं कि फला जगह फला बूढ़ी मुसलमान है मर गई है वहां पर ना कोई ख़बरस्तान है ना कोई मस्जिद है ना कोई इमाम है इसको ले जाइए मुसलमानों के खबरस्तान ख़बर, में इसको दफनाइए आइए सुबह लाइक मरतबे येलो शहर में था मुझे फोन आया कि फला औरत का इंतकाल हो, हो गया है फला खरी के अंदर इसको आप लेकर जाइए मैंने बाजू में जो पड़ोस में जो श्रीपर गाँव था उस यानी गांव वालों से मैंने कहा कि जाओ उससे औरत की मईद को लेकर आओ तो उन्होंने एक छोटी सी लारी पे रखकर पहुंच गए ये लोग और उसके साथ कुल तकरीबन पचास आदमी उसके खानदान के थे पचास आदमी उसके खानदान के थे और सब के सब हिंदू लेकिन उसके अंदर एक ही मुसलमान था जो पड़ोस गांव का था और आने के बाद हमने उसको नहलाया कफन पिनाया और सामने रखा मस्जिद में सुखो लाइन से हमने खड़ा किया वो लोग देख रहे थे हमने नमाज पढ़ी कब्रिस्तान ले गए कब्रिस्तान में खबर खोदा जा रहा था वहां पर जनाजा रखा गया और उन तमाम से कहा कि कब्रिस्तान में थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ मैंने उनसे पूछा कि औरत जिसको लाए हो इसके दो हिस्से थे एक तो उसकी यानी उसका जिस्म है उसकी रूह तो जिस्म को तो हमने लाया इसकी रूह कहा गई अल्लाह कोई जवाब नहीं उसके बाद रूह का सफर मैंने बयान किया या तो इल्लिन में या तो सजी में या तो जन्नत में या तो जहन्नम में आप अपनी रूह को कहाँ भेजना चाहते हैं सब ने एक आवाज़ होकर कहा कि हम अपनी रूह को जन्नत ही में भेजना चाहते हैं तो फिर पासपोर्ट हासिल कर लीजिए कलम तयब ला इला 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 पढ़ लीजिए सब ने एक साथ कलीम तय्यबला सुबह तो मौाखे से फायदा उठाइए मौख़े से फायदा उठाकर उठा उनके सामने बात रखी इन बड़ी मुफीद होगी और इसका बड़ा फ़ायदा होगा और ऐसे और एक औरत के बारे में बुढ़िया के बारे में पता चला कि किसी और खरी के अंदर कि उड़िया मुसलमान यानी नहीं इंतकाल कर गई है और उसको दफनाने के लिए आप अपने यहां ले जाइए तो उस वक्त मैंने एक दाई को भेजा चंद औरतों के साथ तो वो लो लोग वहीं किसी तालाब के खट्टे पर उसको दफन कर दिए मरते उधर से गुजर हुआ मेरे साथ कुछ शागिर भी थे उमराबाद के और वो दाई भी था दाई ने कहा कि हमने दफन किया दरास दुआ करके आएंगे जब गए तो पूरे घर वाले हमको घेर लिए कहा कि जब तक हमारी मेहमान नवाजी कबूल नहीं करेंगे आप ना जाए तो घर गए तो उन्होंने कहा कि बूढ़िया कुछ हरकतें करती थी बड़ी अच्छी पसंद आती थी हमको लेकिन हम जब कहते थे कि हमको भी सिखा दे तो कहे जब तक तुम तो मुसलमान नहीं होगे मैं नहीं सिखाऊंगी वो हरकत क्या थे नमाज पढ़ती थी उस औरत। तो क्या हम भी मुसलमान हो सकते हैं हम भी वो हरकत कर सकते हैं तो है क्यों नहीं मैंने अपने दादी से कहा कि इनको कलीमा पढ़ाओ कलीमा पढ़ाया और तमाम के तमाम घर वाले मुसलमान हो गए जिस तरीके से बहुत आसान है बस रही सी हरकत में हम आए काम करते जाए काम करते जाए सुबह अल्लाह कब किसके नसीब में अल्लाह ताला इस्लाम लिखा है बोल नहीं सकते एक मृतब ऐसे ही एक और बूढ़िया बेचारी तकरीबन अस्सी साल उसके हो गए थे और वो बूढ़िया थी आंखें भी चली गई थी और एक दिन घर में बैठ के रो रही थी ईसाई बुढ़िया थी सामने चर्च था कहा कि एक हमारा नौजवान उधर से गुजरा पूछा कि क्या मैं क्यों रो रही हूँ वक्त है खत्म कर कर खत्म नहीं कर अच्छा तो में बता देखिए माँ क्यों रो रही है नौजवान ने मुसलमान नौजवान जाकर माँ क्यों रो रही है देखिए भाई मेरी आंखें तो जा चुकी हैं अब मैंने पास्टर से कहा कि मेरे आंखों के लिए दुआ कीजिए उसने कहा कि घर बेच दूँ और उसको पैसे हवाले कर दो तब वो दुआ करेगा तो एक तो आंखें गई भर भी जा रहा है इसलिए रो रही कहा कि माँ तुम रोने की जरूरत नहीं है ये एक कलीमा बताऊंगा पढ़ लो तुम्हारी आंखें आ जाएंगी तो बड़े यकीन के साथ उसने पढ़ा कलीम ला, ला और उससे कहा गया कि तुम मुसलमान हो तो एक ज़माने के बाद वहां से हमारा गुजर हुआ तो उसको देखने के लिए हम गए तो बड़ी पसमुर्दा बैठी हुई थी मैंने कहा कि इस उम्र में तुम इस मुसलमान हुई हो ऐसी वा। उम्र वालों के लिए जन्नतें सुबहान ला हंसकर उसने कहा कि तुम लोग हो जो बूढ़ियाँ और नौजवान के में फर्क करते हो मेरा अल्लाह दोनों के दरमियान में फर्क नहीं करता एक नौजवान को जैसे जन्नत देगा मुझे भी जन्नत देगा उसके बाद हमने कहा कि चलो हैदराबाद हम तुमको ले जाएंगे इलाज तुम्हारा करवाएंगे कहा कि जब से मैंने वो कलीमा पढ़ा है तब से मुझे आंखों की जरूरत नहीं रही मैं ऐसे अपना काम काज कर रही जैसे मैं आंखों वाली हूं अलबत्ता सड़क पार करना है तो किसी के कि सहारे की जरूरत पड़ती है तो उसने वसीयत की थी कि जब मैं मर जाऊं तो कोई पास्टर मेरे करीब ना आए और मेरे मरने के बाद मेरा घर इस्लाम की दावत के काम के लिए लगा दिया जाए सुबह बात वैसी और जब उसका गसल दिया जा रहा था औरत मर गई एक मुसलमान औरतों का एक ग्रुप वहां गया जब उसको गसल दिया जा रहा था सिर्फ गसल के तरीके को देखकर उसकी एक बेटी इस्लाम ले आई और चलते चलते सारा खानदान मुसलमान हो गया तो मेरे अजीज दोस्तों कहने का मतलब यह है कि वाक़ ऐसे बेशुमार हैं आज भी लोग तैयार हैं आज बेहतरीन मौका आपको मिला है तो इस इस मौके को फ़ायदा उठाकर क्या करना है दावत दीन हनीफ का काम आपको करना है उसके लिए लग जाना है तो मैंने सुना था कि दावत दीन हनीफ का अच्छा चल रहा था और हम कई प्रोग्राम में यहाँ आए थे लेकिन ये हुकूमत जो अभी गुजर चुकी है उसके आने के बाद सुना बहुत काम कम हो गया इसके वजह से लोग परेशान हैं तो ज़रा सा इस सिलसिले में बेदारी लाने के लिए इस तरीक़े से कुछ बातें बताने के लिए कहा गया था इस सिलसिले की चंद बातें मैंने आपके सामने रखी है अल्लाह ताला इन बातों से हमी रहनुमाई हासिल करने की तोफ़ी तह फरमाए और हमें दीन तबलीग दीन हनीफ़ का काम का करने की तोफ़ीकता फ़रमाए रबनात कब्बल मना इनका समी बतुअना अलीम व आखिर उदाउन रबीआल